बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय और राशि अनुसार ही आपका शुभंक और शुभ रंग भी। पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर करेगा। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 10 अक्टूबर 2022। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा पर चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम, राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक का। पंचक खत्म हो रहे हैं शाम को 4:02 पर। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 1:40 से लेकर 3:15 बजे तक का। विशेष क्या है, कार्तिक माह की शुरुआत हो रही है और इस दिन भगवान कार्तिकी का पूजन किया जाएगा। और हमारा जो विशेष उपाय है वो भी भगवान कार्तिकेय से ही जुड़ा हुआ है। डिप्रेशन आपका कैसे दूर होगा ये जानने के लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं राशिफल की पहली राशि मेष के साथ में। संतान को लेकर चिंता रहेगी, नौकरी की स्थिति ठीक रहेगी, अकस्मात समस्या से मन परेशान रहेगा, वाद विवाद से बचें, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। उपाय ये करें कि पूजा घर में अक्षत चढ़ाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। दूसरी राशि वृष यानी टॉरस की बात करेंगे, आय के नए स्रोत मिलेंगे, आय में वृद्धि होगी, व्यापार में नए अनुबंध होंगे, खास लोगों से संपर्क होगा, कला में रुझान बढ़ेगा, छात्रों की बाधा दूर होगी। उपाय ये करें कि लोटे में पानी भरकर घर के व्यय कोण में रखें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तीसरी राशि मिथुन यानी कि जमुना की बात करेंगे, व्यापार की समस्या से परेशान रहेंगे, शत्रुओं से सावधान रहें, छवि बिगाड़ने की शत्रु कोशिश कर सकते हैं, संतान की चिंता रहेगी, कुंवारों के शादी की बातचीत चलेगी। उपाय ये करें कि घर के व्यय कोण में घी का दीपक करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, कारोबारी सफलता से खुशी मिलेगी, संतान से सुख प्राप्त होगा, जवाबदारी के काम पूरा करेंगे, महत्वपूर्ण यात्रा के योग हैं, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। उपाय ये करें कि स्टील के ग्लास में दूध पिए, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक वाद विवाद से बचें, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी, व्यर्थ के दिखावे से दूर रहें, आत्मविश्वास बढ़ेगा, यात्रा के योग हैं। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए पानी रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे, समय अनुकूल है, कारोबारी सफलता से खुशी होगी, लिए हुए फैसले सही साबित होंगे, वाहन खरीदने के योग हैं, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। उपाय ये करें कि सफ़ेद नीले कपड़ों का कॉम्बिनेशन पहने, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की बात करेंगे, कारोबार सफल रहेगा, काम में कुछ रुकावटें आएंगी, संतान की उन्नति से खुशी होगी, सोचे हुए काम बनेंगे आपके, आकांक्षाएं कुछ अधूरी रहेंगी, दूसरों के नकल करने से बचें। उपाय ये करें कि किसी वृद्ध भिखारी को दूध दान करें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, चिंताएं दूर होंगी, काम धंधे की स्थिति संतोषजनक रहेगी, कुछ नया करने की सोचेंगे, परिजनों के साथ में समय बिताएंगे, किसी के सहयोग से परेशानियां दूर होंगी। उपाय ये करें कि धर्मस्थल में सफ़ेद नीले फूल चढ़ाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। नवीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, झूठ बोलने से बचें, गुस्से पर काबू रखें, सुख साधनों पर खर्च होगा, पिछले काम सफल रहेंगे, जीवनसाथी के साथ में तालमेल बढ़ेगा, यात्रा के योग हैं। उपाय ये करें कि किसी पेड़ पर बताशे चढ़ाएं, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, व्यवहार में चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वभाव में बदलाव लाएं, घर में क्लेश बढ़ेंगे, पेट से संबंधित रोग परेशान करेंगे, शाम में प्रेमी युगल घूमने जाएंगे। उपाय ये करें कि कागज़ पर काले पेन से सोम लिखकर जेब में रखें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, व्यापार ठीक चलेगा, फिजूल खर्चे से बचें, परिजन सहयोग करेंगे, मित्र आर्थिक सहयोग करेंगे, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी, संतान से कोई खुशखबरी मिलेगी। उपाय ये करें कि चंदन पाउडर थोड़ा सा पानी में बहा दें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, चल रहे काम अधूरे रहेंगे, आर्थिक प्रयास असफल रहेंगे, कारोबारी असफलता मिलेगी, फिजूल की बातों से बचें, सामाजिक मामलों में आलोचना हो सकती है। उपाय ये करें कि तुलसी पत्ता दूध से धोकर सेवन करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। तो दोस्तों अब समय है
आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो डिप्रेशन से आपको मुक्ति दिलाएगा। देखिए, खास दिन है, कार्तिक महीने की शुरुआत है, ऐसे में भगवान कार्तिकेय के पूजन का विधान है, तो ऐसे में भगवान कार्तिकेय का पूजन करें और अशोक के पत्ते पर चंदन लगाकर भगवान कार्तिकेय पर चढ़ाएं और जो चढ़ावा पत्ता है उसे जल प्रवाह कर दें और पूरे प्रयोग में भगवान कार्तिकेय के इस विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम चंद्र सीताय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, डिप्रेशन निश्चित दूर होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमस्कार। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।